जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं वो आपके लिए कोई काम नहीं करता। ये इसलिए बना कि जो छोटे दर्जे के बिजनेसमैन हैं वो भी कल को बड़े सपने देखें और बड़े बिजनेसमैन के रूप में बने। जो शेयर होल्डर हैं वो डायरेक्टर हो सकते हैं इस कंपनी के, वो पॉलिसी मेकिंग में हो सकते हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। 30 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ का बजट बनता है, वो पैसा कहां जा रहा है? ये सरकार से पूछने वाला कोई नहीं। तो नीचे का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम कैसे हेल्प करें, जब हमारी नेटवर्किंग में शामिल होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे तो उनकी हेल्प हो। और किसी भी संस्था की ताकत उसके मेंबर होते हैं। जिस दिन हम लाख मेंबर हो जाएं, लाख से ऊपर मेंबर हो जाएं, उस दिन सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। ये मेरा संदेश। दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ सबकी के बारे में, एसबीसीसीआई के बारे में, कि एसबीसीसीआई से कैसे जुड़े और कैसे हम इससे लाभ लें और कैसे अपना जीवन को और प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। अक्सर सवाल पूछते हैं, दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल तो ये पूछते हैं कि आपको ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ऑलरेडी दुनिया भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, कई सारे चैम्बर बने हुए हैं, तो आपने ये क्यों बनाया? तो इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं वो आपके लिए कोई काम नहीं करते। हम जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं या जो भी नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो बिल्कुल स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन हैं, उनकी भले के लिए कोई भी चैम्बर काम नहीं करता। तो जब आपके लिए कोई चैम्बर काम ही नहीं करता तो हमें एक नई चैम्बर बनाने की जरूरत पड़ी। और ये एक हमारा एक FAQ है जो काउंटर पे अवेलेबल है, रिसेप्शन काउंटर पे, इसको सब लोग लें और देखें कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों बना। ये इसलिए बना कि जो छोटे दर्जे के बिजनेसमैन हैं वो भी कल को बड़े सपने देखें और बड़े बिजनेसमैन के रूप में बने। तो इसलिए ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना जो की गई वो बहुसंख्यक और बहुत छोटे बिजनेसमैनों को साथ में ध्यान में रख के की। तो इसीलिए जो भी लोग पूछते हैं वो हमारे ये इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये संस्था क्यों बनी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी ये दूसरी वर्षगांठ है हमारी, दूसरी एनुअल डे है जिसको हम लोग मना रहे हैं। तो 2 साल का बच्चा है और 2 साल का बच्चा जितना कर सकता है उससे अच्छा काम हम करने की कोशिश करें। दूसरा सवाल एक लोग पूछते हैं कि हम क्यों जुड़े हैं, सर्की के मेंबर हम क्यों बने? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्की के मेंबर बनने का तरीका क्या है, क्या कैटेगरी है हमारी, कैसे मेंबर हम इसका बन सकते हैं। इसकी 2 तरह की मेंबरशिप है, एक है शेयर होल्डिंग मेंबरशिप और एक नॉन शेयर होल्डिंग मेंबरशिप। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में सिर्फ फर्दर 2 कैटेगरी है, एक तो है 1,10,000 शेयर का और एक 20,000 शेयर का। 10 रुपए का शेयर है, 10,000 की शेयर लेने के लिए 1,00,000 इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और 20,000 का शेयर लेने के लिए 2,00,000 इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मेंबरशिप फीस है 1,00,000 वालों के लिए 25,000 साल का और 2,00,000 वालों के लिए 50,000 साल का। ये जो मेंबरशिप है ये शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर के रूप में आपको शेयर इशू किया जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप इस कंपनी के मालिक होंगे, उतने तक का मालिक होंगे जितना शेयर आपके पास होगा। दूसरी कैटेगरी है नॉन शेयर होल्डिंग। जो नॉन शेयर होल्डिंग कैटेगरी है उसमें भी 2 तरह की कैटेगरी है, एक की मेंबरशिप फीस है 10,000 और दूसरे की मेंबरशिप फीस है 3,000। 10,000 उन लोगों के लिए है जो मीडियम क्लास के बिजनेसमैन है, जो मीडियम क्लास के बिजनेस करते हैं, और जो सबसे छोटे तबके के हैं उनके लिए 3,000 का। तो मिनिमम साल में 3,000 रुपए आपको देना है। आपको मेंबर बनने से, 3,000 देने से, 10,000 देने से या 1,00,000 2,00,000 देने से क्या होगा ये मैं आपको बता पाऊ। होगा ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी अपने कैटेगरी के अपने बहुसंख्यक लोगों के बिजनेसमैन हैं उनको एक दूसरे में आपस में जोड़ दें, एक दूसरे का नेटवर्किंग बना दें ताकि एक दूसरे को जान जाए। अब एक दूसरे को जान के क्या होगा, एक दूसरे को जान के ये होगा कि हम किसी चीज के प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं तो हमारे समाज में बहुत से लोग उसको उस सर्विस का यूज करते हैं या वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो 75-80% जो कंज्यूमर है वो हम ही है, लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम कंज्यूमर हैं। अगर हम अपने बिजनेसमैन को जान जाएं तो फिर हम अपने आदमी का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे,
जैसे एक थोड़ी सी बात है कि जैसे अभी एक भाई साहब थे वो कोयले का काम करते हैं। अब कोयले का काम करते हैं तो हम जानते नहीं है कि कोयले का काम करते हैं, तो कैसे जानेंगे? हम ऐसे जानेंगे कि जब हम ऐसी मीटिंग करेंगे और छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, हमारी मीटिंग होती रहती है, हर 15 दिन महीने में मीटिंग होती रहती है छोटी छोटी ग्रुप में 20-30 लोगों का। तो जब उसमें क्लोज इंटरेक्शन होगा, क्लोज मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो एक दूसरे की समस्या समझेंगे और एक दूसरे की समस्या हम दूर करेंगे, ये पर्पस है। तो ये हुआ एक बात। ये जो छोटे बिजनेसमैन है जिनकी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं का नेटवर्किंग में जब आएंगे तो उनकी समस्या दूर होगी। जो बड़े बिजनेसमैन है, जो जिनकी टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है, उनके लिए 1 लाख का शेयरिंग है, शेयर होल्डिंग है, और जो मोर देन 100 करोड़ है उनके लिए 2 लाख का शेयर होल्डिंग। हमने जब हमारी स्थापना हुई थी उसके करीब 3 महीने बाद हमने पूरे मंत्रालय को, भारत सरकार के सभी मंत्रालय को चिट्ठी लिखा और हमने ये लिखा कि हम एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जो हम मेजोरिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। आप जब भी कोई पॉलिसी बनाए, कोई सरकार की स्कीम हो, कोई भी ऐसी फंक्शन हो जहां चैम्बर को बुलाते हैं तो हमें भी बुलाए। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री को लिखा, फिर मिनिस्टर को लिखा, एक तो सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को, दूसरा हमने सारे मिनिस्टर को लिखा, जितने भी मंत्रालय हैं उनके जो भी मंत्री हैं उनके नाम से प्रश्न लिखा। हमारे पास बहुत से, हमने पीएमओ को लिखा, हमने राष्ट्रपति को लिखा, बहुत जगह से एक्नॉलेजमेंट आई, बहुत जगह से नहीं आई, कुछ जगह से इन्विटेशन भी आई। एमएसएमई मंत्रालय से हमारे को इन्विटेशन आई थी जब पीएम ने विज्ञान भवन में प्रोग्राम किया था एमएसएमई के लिए। तो इस तरह से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन दर्ज करना चाहते हैं सरकार के यहाँ कि हम भी एक चैम्बर है जो हम मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि जो शेयर होल्डर हैं वो डायरेक्टर हो सकते हैं इस कंपनी के, वो पॉलिसी मेकिंग में हो सकते हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। तो जब आप शेयर होल्डर बनेंगे तो आज न कल वो दिन दूर नहीं जब हम सरकार के यहाँ डेलीगेशन भेजेंगे, उस डेलीगेशन में जो पार्ट ऑफ डेलीगेशन होंगे वो शेयर होल्डर मेंबर होंगे। शेयर होल्डर बनने का ये फायदा है। तो जो भी लोग शेयर होल्डर बनते हैं या जो भी बनेंगे, उनको प्लस पॉइंट ये है कि जब आप सरकारी अधिकारी से मिलेंगे और जब आप डेलीगेशन में जाएंगे, अपनी बात, अपने लोगों के समस्याओं की बात, अपने समाज के समस्याओं की बात आप सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार बजट बनाती है, बजट में पैसा खर्च करती है, 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का बजट बनता है, वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा कहां जाता है, ये सरकार से पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो चैंबर है वो उन्हीं लोगों के हैं और उन्हीं के सहमति से पॉलिसी बनती है। हमारा प्रयास ये है कि उस पॉलिसी मेकिंग में हम भी शामिल हों, हमारे रिप्रेजेंटेटिव शामिल हों। ये बिगर ऑब्जेक्टिव है इस चैंबर का। जो नीचे का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम कैसे हेल्प करें, जब हमारी नेटवर्किंग में शामिल होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे तो उनकी हेल्प होगी। तो इसीलिए आप ये ना सोचें, और दूसरी बात कि आप मेंबर नहीं भी हैं तो भी हमारे फंक्शन में आ सकते हैं, हमारे फंक्शन में आए, हमारे मीटिंग में आए, एक दूसरे को जानें, अपनी समस्या बताएं, लोगों से समझें कि कौन आदमी हमारे, कौन आदमी हमको कहाँ हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प होगा, ये हेल्प होगा, इसलिए आपको मेंबर बनना जरूरी। मेंबर नहीं भी बनते हैं तो मीटिंग में आने में कोई मनाही नहीं, छोटी मीटिंग होती है उसकी भी सूचना मिलेगी। आज जितने लोग आए हैं, एक SBCCI का जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपका नाम जुड़ जाएगा, उसमें जब मीटिंग होती है तो उसकी सूचना उसमें मिलती है। आप आए, ऐसा नहीं है कि आपके घर जाके कोई आपकी समस्या सुलझाएगा, आपकी समस्या है तो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी अपना समाधान। खुद कैसे ढूंढेंगे, जब एक नेटवर्किंग से मिलेंगे, जब एक ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको 10 लोग जानेंगे, तो आपकी समस्याओं की चर्चा होगी, तो 10 लोग आपकी समस्याओं को सुनेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए ऐसा नहीं सोचें कि हम क्यों जुड़े और क्या हमको जुड़ने से क्या फायदा है। देखिए, आज जो आप आम खाते हैं वो पेड़ आपने नहीं लगाए, लेकिन आप आम का मजा ले रहे हैं, आज आप रिजर्वेशन का मजा ले रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई आपने नहीं लड़ी। तो आज जो ये चैंबर है, ये चैंबर की जब स्थापना हुई है, जब ये चैंबर अपने अपने मैच्योरिटी पे होगा तो इस देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने के काबिल होगा, पॉलिसी मेकिंग में शामिल होगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने यंग ब्रिगेड के लिए, या अपना जो महिला उद्यमी है उनके लिए कुछ ऐसा
ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां आकर के सब लोग अपनी अपना सॉल्यूशन देखें कि इस यहां से हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। इसीलिए आपको जुड़ना जरूरी है और किसी भी संस्था की ताकत उसके मेंबर होते हैं। आप समझ लें, हमारी इतनी संख्या है देश में, इतनी आबादी है हमारी, जिस दिन हम लाख मेंबर हो जाएं, लाख से ऊपर मेंबर हो जाएं, उस दिन सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। आपको यह समझना होगा। आपको कोई बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर तभी तक कर सकता है जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। जिस दिन सरकार को समझ में आ जाएगी कि ये कोई ताकत है, इसके लाख मेंबर हैं और हमारे मेंबरों की रिप्रेजेंटेशन सरकार के यहां होगी, तो हम हिसाब पूछेंगे कि आप जो बजट लाते हैं, जो टैक्स का पैसा वो कहां खर्च करते हैं, ये पैसा जो खर्च करते हैं वो हमारे मेंबरों पर कितना खर्च होता है, हमारे बहुजन आबादी पर कितना खर्च होता है। 40 लाख करोड़ का ठेका देती है सरकार, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख करोड़ का। उस 40 लाख करोड़ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बहुजन संख्या, जिसकी संख्या मोर देन 75% है, 85% है, उसकी 5% भी हिस्सेदारी नहीं। तो आप सोचिए कि यह पैसा कहां जाता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी, हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे जब हमको बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब हमको सरकारी बजट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब सरकारी बजट का पैसा हम तक नहीं पहुंचेगा, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होंगे, हम उसके बेनिफिशियरी नहीं होंगे, तो हमारी जीवन स्तर कभी ऊपर नहीं उठ सकता। और जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन की हालत ठीक नहीं होगी। हमारे नेक्स्ट जनरेशन, आज की तारीख में पढ़ाई इतना महंगा हो गया, चाहे वो आप मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, इतनी महंगी हो गई कि एक साधारण आदमी, एक नौकरी करने वाला आदमी के बस की नहीं है कि उसका बच्चा अगर मेडिकल कर जाए तो उसको खर्चा दे सकेगा। तो ये जीवन स्तर कैसे उठेगा? ये जीवन स्तर उठेगा बिजनेस से, उद्यम से उठेगा। जब हमारे लोग बिजनेस में आएंगे, धीरे धीरे जब उनको समझ आएगा कि बिजनेस में नौकरी तो एक आखिरी साधन है कि नौकरी हम कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन करके अपने बच्चों को एक लेवल तक पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपको एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने नौकरी छोड़ के इतना बिजनेस करा और कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास बैठे हुए डॉक्टर सिद्धांत साहब, उन्होंने वो भी नौकरी करते थे, अगर वो भी जिंदगी भर नौकरी करते रहते उनकी नौकरी का कोई खतरा नहीं था, लेकिन नौकरी छोड़ के अपनी बिजनेस करी और एक सफल बिजनेसमैन है आज की तारीख। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस की तरफ ध्यान दें और आप नहीं तो अपने अगली पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो बिजनेस करे, नौकरी नहीं करे। देखिए आप कितनी भी बड़ी नौकरी करें, आप आईएएस बन जाएं, लेकिन आपका बेटा आईएएस नहीं बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कोई बन सकता है आईएएस, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप आईएएस हैं तो आपका बेटा आईएएस हो जाएगा, या आप बड़े पीसीएस हैं तो आपका बेटा पीसीएस हो जाएगा। तो क्या जरूरत है? जरूरत है आपको समृद्धि करने की। तो क्या मैटर है कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपका अगला जनरेशन उस बिजनेस में शामिल हो सकता है, उस बिजनेस को संभाल सकता है, आपको नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। ये मेरा संदेश। थैंक यू।